नमस्कार दोस्तों, हम लोग एनबीएस टीजीटी साइंस 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अब तक हम लोगों ने कुल 90 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम लोग आखिरी के 10 प्रश्नों को हल करते हैं। इसके बाद ये साइंस 2019 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन, ये पूछ रहा है कौन सी वैक्सीन यूज होती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ये ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन है, तो ये पोलियो के लिए यूज होती है। ये टिटनस एंटीटॉक्सिन वैक्सीन है, ये दिया जाता है उन पर्सन को जो रिस्क पे होते हैं, इन्फेक्टेड वुंड के साथ। अगर किसी को इन्फेक्टेड वुंड है, घाव हो गया है, तो उस पर्सन को टिटनेस एंटीटॉक्सिन की वैक्सीन दी जाती है। बीसीजी वैक्सीन जो दी जाती है वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए दी जाती है। चूंकि हमसे पूछ रहा है कौन सी वैक्सीन यूज होती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो बीसीजी वैक्सीन यूज होती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। डीपीटी ये जो होती है इसे देते हैं प्रिवेंट करने के लिए। डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस, इसको देते हैं डीपीटी को प्रिवेंट करने के लिए। डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ एन एंजाइम इन ए सोल्यूशन और लेस सैचुरेटेड विद ए सब्सट्रेट, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ऑब्टेन फास्टर यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। चूंकि हम जानते हैं एंजाइम जो है वो बायो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एंजाइम बायो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और ये एंजाइम जो होता है वो एक्सीलरेट करता है रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को। एंजाइम एक्सीलरेट करता है रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को। सब्सटेंस मतलब वो सब्सटेंस जिस पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, विच एंजाइमेटिक एक्टिविटी एक्टिविटी कैरीड आउट, उसे क्या कहते हैं। सब्सटेंस अपॉन विच एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैरीड आउट, उसे सब्सट्रेट कहते हैं। हर एक एंजाइम का, इब्री एंजाइम हैज एन स्पेसिफिक सब्सट्रेट। चूंकि ये इसमें है कि अगर अगर कोई एंजाइम सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है सब्सट्रेट के साथ और हमको फास्टर यील्ड प्रोडक्ट की चाहिए, तो अभी हमने बताया एंजाइम जो होता है वो एक्सीलरेट करता है रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को। तो हम फास्टर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, फास्टर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए इसमें ऐड करेंगे मोर नंबर ऑफ एंजाइम एंजाइम। और जो एंजाइम होता है, एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो अफेक्टेड होती है चेंज इन टेम्परेचर से। हर एक एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक पीएच भी होता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इन एन एंजाइम इन ए सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद द सब्सट्रेट, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ऑब्टेन फास्टर यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। अभी हमने बताया एक्सीलरेट करता है एंजाइम रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे मोर नंबर ऑफ एंजाइम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही है ऐड मोर नंबर ऑफ सब्सट्रेट, तो ये रॉन्ग हुआ। इसका फोर्थ ऑप्शन है ऐड मोर नंबर ऑफ एंजाइम, ये करेक्ट ऑप्शन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस, है पूछ रहा है कौन सी प्रोसेस नॉट स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए क्या होना चाहिए, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होती है हर एक टेम्परेचर पे होती है, और इसमें जो एंट्रोपी होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में वो इंक्रीज करती है। एंट्रोपी का मतलब होता है इंक्रीज डिस्टरबेंस या इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल। अब हम इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं, डिजॉल्विंग कॉपर सल्फेट इनटू द वाटर। कॉपर सल्फेट को अगर हम वाटर में डालेंगे तो ये दो आयन में Cu+2SO4-2 आयन में टूटेगा। इधर सिंगल कॉपर सल्फेट है और इधर दो आयन में टूट जा रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब एंट्रोपी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है।
इंक्रीज हो रही है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर। चूंकि ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं होती है, एट नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं होती है, नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्टेंट को सप्लाई करना पड़ता है सम अमाउंट ऑफ हीट टू स्टार्ट द रिएक्शन। इस वजह से ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि अभी हमने बताया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हर टेम्परेचर पे हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है वाटर फ्लोइंग डाउनहिल। वाटर डाउनहिल कब फ्लो करेगा? जब वाटर प्रेजेंट होगा। वाटर कहाँ प्रेजेंट होगा? अपहिल पे। अपहिल पे जब प्रेजेंट होगा, अपहिल का मतलब होता है वहां पे हायर पोटेंशियल। अगर हायर पोटेंशियल से वाटर नीचे की ओर आ रहा है तो वो प्रोसेस जो होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। चौथा ऑप्शन है फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इसमें कौन सी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं थी? तो हमने देखा सेकेंड रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं होती है, इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ हीट देना पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ए स्पीड बोट इनिशियली, बोला है इनिशियली ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली टू स्पीड्स ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, जिसमें वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 36 मीटर। तो वो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ बोट एक्सीलरेशन क्या होगा। चूंकि हमें दिया इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इसकी 20 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कवर कर रहा है 36 मीटर, और हमसे एक्सीलरेशन पूछा। चूंकि हम जानते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS, फाइनल वेलोसिटी 20 है और यू स्क्वायर 16 का होल स्क्वायर प्लस 2 AS 36। अब ये हो जाएगा पूरा, ये 400 256 प्लस 72 A, अब आ जाएगा 144 इज इक्वल टू 72 A। तो A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है एन एम्पियर इज आल्सो कैन बी रिगार्डेड एज, चूंकि हम जानते हैं वोल्टेज बी इज इक्वल टू आई आर, ये करंट है ये रेजिस्टेंट है, तो आई इज इक्वल टू बी वाई आर, बी बाई आर इसका मात्रक वोल्ट होता है, रेजिस्टेंट का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। तो इसकी यूनिट हो गई ए वोल्ट पर ओम। हमारा अगला क्वेश्चन है थ्री स्पेसीज एक्स वाई एंड जेड जो है वो शेयर करती हैं इनका कॉमन एंसेस्टर, जो एक्स वाई जेड स्पेसीज हैं इनका कॉमन एंसेस्टर क्या है? इनका कॉमन एंसेस्टर टी है। एज डू एग्जिस्ट स्पेसीज वी एंड यू, ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्पेसीज टी एक्स वाई जेड, लेकिन इसमें वी और यू नहीं इंक्लूड हैं, ये नॉट इंक्लूडेड। तो ये क्या बनाएंगी? अब हम समझ लेते हैं मोनोफाइलेटिक क्लैड। मोनोफाइलेटिक क्लैड क्या होता है? मोनोफाइलेटिक क्लैड में क्या होता है, इनका इंक्लूड कॉमन एंसेस्टर, इनका एक कॉमन एंसेस्टर होता है, और जितने भी डिसेंडेंट होते हैं वो सभी होते हैं डिसेंडेंट ऑफ ऑल कॉमन एंसेस्टर के, इनका एक कॉमन एंसेस्टर होता है और ऑल डिसेंडेंट ऑफ दैट एंसेस्टर, तो इसे मोनोफाइलेक्टिक क्लैड कहते हैं। जैसे मान लो ये स्पेसीज है एक्स वाई जेड, इनका कॉमन एंसेस्टर टी है, और इसमें जो स्पेसीज इंक्लूड हो रही दूसरा ग्रुप में, इसमें आ रही है
TYXZ, लेकिन ये V और U को नहीं इंक्लूड कर रही हैं। अभी ये V और U को भी इंक्लूड कर लेती इसमें तो ये मोनोफाइलेटिक क्लैड हो जाता, क्योंकि ये सभी उसी कॉमन एंसेस्टर के डिसेंडेंट हो जाते हैं। अगर बी और यू इसमें इंक्लूड हो जाता तो ये मोनोफाइलेटिक क्लैड हो जाता। और पॉलीफाइलेटिक क्लैड का मतलब क्या है? पॉलीफाइलेटिक क्लैड का मतलब है कॉन्सिस्ट अप ऑफ टू या मोर एंसेस्टर, मतलब इसके एंसेस्टर ही दो या दो से ज्यादा हैं, उसे पॉलीफाइलेटिक ग्रुप कहते हैं। और जो ये पैराफाइलेटिक ग्रुप होता है, इसमें कॉमन एंसेस्टर होता है, कॉमन एंसेस्टर होता है एक, इंक्लूड कॉमन एंसेस्टर एंड वनली सम ऑफ द डिसेंडेंट। जैसे ये एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, इसका कॉमन एंसेस्टर टी है, लेकिन इसमें जो ग्रुप आ रहा है उसमें टी के साथ XYZ आ रहा है, वी और यू नहीं आ रहे हैं। तो यही अभी बताया कि ये इंक्लूड करता है ओनली सम ऑफ डिसेंडेंट, तो ये हो जाएगा, बनाएगा पैराफाइलेक्टिक ग्रुप। हमारा अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन इक्वेशन इज इक्वल टू MC² माइट बी डायरेक्टली कैलकुलेट द, चूंकि हम जानते हैं जो आइंस्टीन की इक्वेशन होती है इसमें मास जो होता है, मास कैन बी कन्वर्टेड इंटू इक्विवेलेंट, मास कैन बी कन्वर्टेड इंटू इक्विवेलेंट एनर्जी एंड वाइस वर्सा का मतलब हो गया एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इंटू द मासेस। अब हम देखते हैं एनर्जी प्रोड्यूस बाई द ऑक्सीजन एंड आयरन रिएक्ट टू फॉर्म द रस्ट, चूंकि जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड आयरन रिएक्ट करते हैं तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व्ड होता है, कंजर्व्ड होता है, तो इस पे आइंस्टीन की इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग मास इज कन्वर्टेड इनटू द इक्विवेलेंट एनर्जी, मास कंजर्व्ड नहीं रहता है। दूसरा ऑप्शन, जब दो एटम ऑफ हाइड्रोजन, टू एटम ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन और वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। जब दो एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाएंगे, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है, इसमें भी मास कंजर्व्ड है, तो इसमें भी आइंस्टीन की इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन है एनर्जी प्रोड्यूस बाय मैटर एंटी मैटर रिएक्शन। अब मैटर का मतलब ही आप समझते हैं कि मैटर के पास अपना कुछ ना कुछ मास होता है। जब एक एंटी मैटर मैटर से मिलता है तो एनिहिलेट करता है एनर्जी, मतलब इसमें मास जो हो गया इसका मैटर का वो कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, तभी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इस पे आइंस्टीन की इक्वेशन अप्लाई होगी। चौथा ऑप्शन है एनर्जी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर, चूंकि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें भी एनर्जी कंजर्व्ड होती है, तो इस पे भी आइंस्टीन की इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पेसीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड क्या कहलाती हैं? पैरापेट्रिक स्पेसीज जो होती हैं वो स्प्रेड करती हैं ओवर ए लार्ज जियोग्राफिक एरिया, तो उसे पैरापेट्रिक स्पेसीज कहते हैं। एलोक्रोनिक स्पेसीज जो होती हैं वो बिलोंग करती हैं, एलोक्रोनिक स्पेसीज बिलोंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड, तो उसे कहते हैं एलोक्रोनिक। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है स्पेसीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड, तो उसे एलोक्रोनिक कहते हैं। सिंक्रोनिक बिलोंग टू सेम टाइम पीरियड, उसे सिंक्रोनिक स्पेसीज कहते हैं।
और एलोपैट्रिक स्पेसीज क्या होती हैं? स्पेसीज जो पाई जाती हैं, स्पेसीज फाउंड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, पाई जाती हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन एंड हैव जियोग्राफिकल बैरियर बिटवीन देम, तो उसे कहते हैं एलोपैट्रिक। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है स्पेसीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड, तो उसे एलोक्रोनिक स्पेसीज कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। चूंकि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में जो होता है, प्लांट यूटिलाइज करता है सनलाइट बनाने के लिए फूड को, तो इसमें जो रिएक्शन होती है C6CO2 + 12H2O सनलाइट की प्रेजेंस में ये बनाता है C6H12O6 + 6H2O + 6O2। चूंकि हमने देखा कि वाटर जो होता है वो टेकन बाय द प्लांट ये स्प्लिट हो जाता है, वाटर टेकन बाय द प्लांट स्प्लिट हो जाता है ऑक्सीजन में एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है एज ए रिजल्ट, और ये ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन फोटो सेंटर पे प्रोड्यूसिंग NADPH एंड देन इंटर इनटू द केल्विन साइकिल। तो इसका ये सीक्वेंस होगा, वाटर से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो जाएगा, ट्रांसफर होगा फोटो सेंटर के पास और प्रोड्यूस करेगा NADPH, उसके बाद वो इंटर करेगा केल्विन साइकिल में। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हुआ थर्ड वाला, वाटर NADPH देन केल्विन साइकिल। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोब्लास्ट आर फाउंड इन, ऑस्टियोब्लास्ट क्या होती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं बोन फॉर्मिंग सेल, तो ये कहाँ पाई जाएंगी? बोन में। और अगर यहीं पे होता ऑस्टियोक्लास्ट ब्लास्ट नहीं क्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट होता तो ये हो जाती बोन रीअब्सॉर्बिंग सेल। तो दोस्तों इस तरह से हमने अपने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ये हमारा सेट जो हम सॉल्व कर रहे थे NBS-TCET 2019 वो पूरी तरह से साइंस का पेपर उसमें से कंप्लीट हो गया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।